राम राज प्रस्थापित करके किया कर्म अतुल्य है। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो मैं अपने मोटरसाइकिल में फिट करने वाला हूं। ये प्रोडक्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। इसको मोटरसाइकिल में लगा के जब आप लॉन्ग ड्राइव्स या शॉर्ट ड्राइव, सिटी ड्राइव्स या हाईवे राइड्स कर रहे हो तो इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो। थंबनेल और टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इसे अपने मोटरसाइकिल में फ़िट करने वाला हूँ जो यहाँ पे है मेरे पास, और इसको जो है मैं फ़िट करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को आपसे शेयर करने के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो ये जो है ये है JBL की तरफ से, JBL विंड, और आई थिंक ये फर्स्ट जनरेशन है। जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है वो कहीं पे अवेलेबल नहीं था, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ही उसका मतलब बजट के बाहर था। यहाँ पे लिखा है 2-in-1 ऑन द रोड एंड ऑन द गो स्पीकर। ये जो है वायरलेस कनेक्शन है, इसमें आप फ़ोन कॉल्स उठा सकते हो, इसमें माइक्रोफोन है, FM रेडियो है, IP45 का ये रेटिंग है, डस्ट प्रूफ है, और पानी वानी से बचा लेगा, और अप टू 10 आवर्स 10 घंटे की बैटरी बैकअप है। ऑक्सीन यानी कि आप वायर लगा करके भी स्पीकर्स अटैच कर सकते हो। SD TF कार्ड इसमें लगता है। क्या है एग्जैक्टली? एक ब्लूटूथ स्पीकर, लेकिन ये ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल या फिर बाईसाइकल्स पे लगाने के लिए है, और इसीलिए मैंने इसे परचेस किया ताकि मैं राइड्स पे जा रहा हूँ या फिर जो सिटी के अंदर जो राइड्स होती है मेरी, काम के सिलसिले में कहीं जाता हूँ दूसरे स्टूडियो में, तो थोड़ा लंबा सफ़र काटना पड़ता है। और इसकी एक ख़ास बात यह है वो मैं आपको एक बताता हूँ। इसका एक ख़ास पॉइंट मुझे ये लगा कि जब हम राइड्स करते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, तो बहुत सारे जो राइडर्स होते हैं वो कानों में हेडफोन लगा करके, जो इन ईयर हेडफोन्स होते हैं वो लगा करके जाते हैं। थोड़ा सा इशू उसमें ये होता है कि पता नहीं चलता है, ट्राफिक का नॉइज़ उसमें कैंसिल वगैरह हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा क्या एम्बियंस नॉइज़ भी चाहिए होता है। अब एक और सोल्यूशन है वो इंटरकॉम। तो देखो बॉस, मेरा अभी इंटरकॉम लेने का फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आई बिलीव इंटरकॉम तभी लेते हैं जब रेगुलर राइड्स हो रहा है, और कोई आप किसी राइडर के साथ आप राइड कर रहे हो जिसके पास भी इंटरकॉम है, तो उसमें आप सफ़र काट सकते हो बातचीत करके। बट ऐसा मेरे केस में नहीं है, मैं मोस्टली जाता हूँ तो अकेले ही जाता हूँ और अनप्लान्ड होता है, और मुझे अकेले जाना ही ज़्यादा पसंद है रादर देन गोइंग विथ लॉट्स ऑफ पीपल। तो इंटरकॉम तो लेना कोई बनता नहीं है, और इंटरकॉम का बजट तो बॉस कम से कम अच्छा इंटरकॉम 10,000, 12,000, 14,000 के रेंज में ही अच्छा मिलता है। और एक और कंपनी है, मैं भूल रहा हूँ, स्क्रीन पे लगा दूंगा, याद आएगा तो वो कंपनी का मुझे इंटरकॉम पसंद है, लेकिन वो लूँगा मैं बाद में। लेकिन फ़िलहाल ये परचेस करने का रीज़न क्या है, ये बहुत ही कम रेट में मुझे मिल गया है, आप बिलीव नहीं करोगे, 1700 रुपीज़ में मिला है, जबकि इसका जो रेट है यहाँ पे लिखा है देखो 3,499, मतलब 3,500 का MRP है, लेकिन मुझे ये 1700 में मिला है। कहाँ से परचेस किया मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे। तो अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद जो है इसको मोटरसाइकिल में मैं फ़िट करूँगा। और हाँ दोस्तों, ये टी शर्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, रिवॉल्यूशनरी लिखा हुआ है, ये धीरे धीरे रिवॉल्यूशन कैसे आया उस पर है ये टी शर्ट। और हम कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर्स भी ऐसे कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसा कोई कंटेंट बनाएं जो रिवॉल्यूशनरी हो, और आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर हम लोग धीरे धीरे ग्रो भी करते हैं, तो वो भी एक बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है। अरोमा की तरफ से ये टी शर्ट है, ज़रूर चेक करना, और बहुत ही कॉम्फी टी शर्ट है, ख़ास करके इसके जो स्लीव्स है शॉर्ट स्लीव वाले है, और इसका जो जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, डिसेंट है, और इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा है। एक बार ज़रूर इसका चेक करना, नीचे लिंक है, दो कलर्स है, तो मैंने ग्रे लिया है, एक और एक मस्टर्ड कलर था, तो वो भी मैं आगे फ्यूचर में परचेस करने वाला हूँ, तो नीचे लिंक है, ज़रूर चेक करना। आप आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और करते हैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स। तो ये जो हिस्सा है ये लगने वाला है हैंडल बार्स पे, और ये कुछ ऐसे रहने वाला है, इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और हैंडल बार में जो है वो अभी मैं फिट करके आपको बताऊंगा, बट एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ इसका आइडिया क्या है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखिए यहाँ से लूज़ करना है, ये जो ग्रिप्स दिए हुए हैं ताकि उसको
और ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रख सके, और वाइब्रेशन के कारण ये हिले नहीं, इसके लिए जो मोटे रबर के ग्रिप्स दिए हुए है उसके बाद इसको फिट कर देंगे, और ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर जो है इसमें ऐसे फिट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ऐसे इसमें फिट हो जाएगा, ये इसका कुछ ऐसे मैकेनिज्म है, और ये बहुत ही रॉक सॉलिड है, ये कोई ऐसे हिलने से या फिर जर्क अगर आपके मोटरसाइकिल में आ रहा है तो ये कुछ ऐसे निकलने वाला है नहीं। अगर आप देखो तो माइक का दिया हुआ है, और ये जो स्लॉट्स है, ये स्लॉट के बीच में बराबर आपका जो जो इसका जो ग्रिप है वो आने वाला है, ठीक है। माइक तो बता दिया, यहाँ पे जो है ऑक्स इन USB है, तो यहाँ पे जो SD कार्ड वगैरह है या ऑक्स इन केबल है, फिर जो यहाँ पे BT लिखा हुआ है, आई बिलीव ये तो ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होने वाला है, और यहाँ पे जो है इसका ऑन ऑफ का जो बटन है वो दिया हुआ है, साथ ही में प्लस माइनस यानी कि वॉल्यूम का, और प्ले पॉज और कॉल रिसीव का भी यहाँ पे दिया हुआ है, JBL की ब्रांडिंग है, तो JBL प्रोडक्ट्स पे मुझे भरोसा है। ऑन करके देखते हैं इसे, अगर इसमें बैटरी थोड़ी सी हो तो, नहीं तो फिर इसको चार्ज करना पड़ेगा। और देखिए ये ब्लूटूथ का जो लाइट है यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अंदर से चालू है। ऑलराइट, सो इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि यार इसको बाइक पे अगर लगा करके रखे तो कोई चोरी वोरी कर ना ले, तो एक चीज़ है ये जो है आप बाइक पर पे लगा करके रख सकते हो, इसको निकालने के बाद जो है अगर आपने निकाल दिया, मान लो आपने ये अगर कहीं पे उतर के जा रहे हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये निकाला, ये देखिए अगर आपने ये निकाल लिया तो ये जो है आपने अपने पैंट के बकल में आप लगा करके रख सकते हो। और इस मटेरियल के बारे में मैं बोलना भूल गया था, एक बार बता दूँ तो ये पूरा रबराइज्ड है, ये पूरा रबर का है, तो इसमें कोई अगर आप रख करके भी कहीं पे प्ले कर रहे हो तो ये स्लिप नहीं होने वाला है, तो ये वैसे का वैसा ही इंटैक्ट रहेगा। ये देखिए ये रबर है बिल्कुल भी, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं इसको पकड़ के पुश करूँगा तो ये नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ है अपने पैंट के हुक में लगा करके, जो बेल्ट का बक्कल आता है वहाँ पे, या फिर जो है अपने बैग में भी इसको आप इसको टांग सकते हो, उस केस में मुझे ये अच्छा लगा है। और अब इसको मुझे चेक करना है कि ये बाइक में एग्जैक्टली जब स्पीड में होता है, मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं चलाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाला, फिर भी एक डिसेंट स्पीड में ये कैसे काम करता है तो वो एक बार देखेंगे। मॉडल इसका है विंड, और ये 1 है, ये जनरेशन 1 है, इसके बाद 2 और 3 भी निकला हुआ है, सबसे पहला वाला जो जनरेशन है वो मैंने ये परचेस किया है। अब चलते हैं इसको फिट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं इसको। और एक तो यहाँ पे जो है मैंने फिट कर लिया है, और ये देखो इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है फ्रंट से, ठीक है। तो आप इसका जो साउंड है वो चेक करेंगे, पहले इसको ऑन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका जो साउंड है यहाँ पे वो मैं सुनाता हूँ। गाइस तो ये देखिए इसका जो साउंड है वो मैंने अभी थोड़ा कम रखा हुआ है यहाँ पे, इसको बढ़ाएंगे यहाँ से। ये देखिए अभी इसका जो साउंड है आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा राइडर के पॉइंट पर भी कर देंगे। ऐसे इसका साउंड है और मेरे ख्याल में ये NF है, ठीक है। अब इसका जो राइडिंग करते हुए एक टेस्ट लूंगा मैं। इसका कुछ ऐसे लुक है सामने से और ये साउंड है, साउंड मैंने भी फुल नहीं किया है।